नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किस तरह से हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से ये बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इस बिजनेस की प्लानिंग करनी होगी। मतलब आपको प्लानिंग ये करनी होगी कि इस बिजनेस में किन किन चीजों की आपको आवश्यकता होगी और आप हैंड सैनिटाइजर बिजनेस की शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। मतलब आप इसे एक छोटी यूनिट के तौर पर शुरू करना चाहते हैं या बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही सोच विचार आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर लगभग दो प्रकार के होते हैं जिन्हें तैयार करने के लिए अलग अलग तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करना होता है। इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइजर और दूसरा आता है माइल्ड हैंड सैनिटाइजर। दोस्तों, यदि आप इस समय स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि आजकल मार्केट में इसकी सबसे ज्यादा मांग है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी है। दोस्तों, इस स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इस सैनिटाइजर को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है। मतलब इस स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइजर को बड़े और बूढ़े दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको माइल्ड हैंड सैनिटाइजर के बारे में बताता हूं। दोस्तों, माइल्ड हैंड सैनिटाइजर मुख्य रूप से बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है, हालांकि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए हमें लाइसेंस की भी जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आपको भी इस बिजनेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो कि आपको MSME के अंडर रजिस्टर करवाना होगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब खुद अपनी फैक्ट्री में हैंड सैनिटाइजर बनाते हैं तो, वरना छोटी मोटी शॉप खोलने पर आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता आपको होगी। साथ ही साथ दोस्तों, इसका फैसला करने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा हैंड सैनिटाइजर बनाने का बिजनेस शुरू करना है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइजर बनाना है या फिर माइल्ड हैंड सैनिटाइजर बनाना है। लेकिन मैं आपको दोनों सैनिटाइजर बनाने की सामग्री के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री यहां पर इस्तेमाल होगी वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल और रबिंग अल्कोहल और वोडका अल्कोहल और एलोवेरा जेल और वेजिटेबल ग्लिसरीन और इंसेशियल ऑयल, जैसे कि टी ट्री का ऑयल, नीम का ऑयल या फिर लौंग का ऑयल और डिस्टिल वाटर। ये सभी चीजें हैं जो सैनिटाइजर बनाने के काम में आती है और ये सभी चीजें आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जिसे आप थोक में सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। अब मैं आपको माइल्ड हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री लगेगी उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, माइल्ड हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल लगता है और बैक्टीरिया को मारने वाला एंशीशियल ऑयल लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टी ट्री का ऑयल, नीम का ऑयल और लौंग का ऑयल। ये तीनों ऑयल इसमें लगते हैं और ये सभी चीजें आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सभी चीजें मार्केट से लाकर आप अपने घर से ही इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। बाकी आप इसकी मशीन लगाकर भी इस बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप मार्केट से रेडीमेड हैंड सैनिटाइजर लाकर भी इसकी दुकान खोलकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये कोरोना वायरस इतनी जल्दी तो जाने वाला नहीं है, इसीलिए अभी आप हैंड सैनिटाइजर बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं या मार्केट से भी रेडीमेड हैंड सैनिटाइजर लाकर भी बेचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप मार्केट से रेडीमेड हैंड सैनिटाइजर लाकर दुकान खोलते हैं तो आपको महीने का बहुत ही आराम से 40,000 रुपए बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हैंड सैनिटाइजर बहुत ही सस्ता मिलता है। और अगर आप खुद से ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको इसमें लगभग 1,00,000 रुपए तक की बचत यहाँ पे हो सकती है। और अगर आप इसको बड़े लेवल पर करते हैं तो फिर आपके 4-5 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं गए, मतलब महीने का आप बहुत ही आराम से 4-5 लाख रुपए इसमें निकाल लोगे। तो इतनी इसमें कमाई आपकी हो सकती है, क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस का ही दौर चल रहा है,
तो अभी जो है हैंड सैनिटाइजर बहुत ही धड़ल्ले से बिक रहे हैं और आप इसका बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई हैंड सैनिटाइजर के ऊपर जानकारी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट करके जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको मैं अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए, बिजनेस से जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।